वेलकम बैक दोस्तों, आज नया दिन, नया दोस्त, नया सफ़र, दोस्त मतलब नया कंपेनियन। चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कहाँ चलते हैं आज, आज का सफ़र हमें कहाँ तक ले चलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रुके थे पेट्रोल डालने के लिए दोनों बाइक में, तो आप लोगों से मिलवाता हूँ मेरे साथ जो दो मेरा दोस्त है। सबसे पहले है ये अमजद भैया। हेलो भैया, बहुत ही एक्सपीरियंस है, आर्टिस्टिक इंसान है सर। बहुत लेट, इनके वजह से इतना लेट हुआ आज जाके। और दूसरा जो मिस्टर क्या बोले इनके बारे में, मिस्टर आरिफ, इनको आप शायद पहले देख चुके हैं। तो चलिए फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं। अभी तो आधा ही आ चुके हैं हम, और एक घंटा लगेगा शायद, और वहाँ पे जाके हमको ट्रैकिंग भी करना होगा। तो चलिए शुरू करते फिर से जर्नी। टूटा एक रोड ऐसे टूटा कि फिर चूर ना पाया। बारिश के टाइम में कहीं ना पाए इस तरफ, अगर आप लोग माहिर नहीं है बाइक चलाने में तो कहीं ना पाए। जब तक ये सब रोड एकदम मक्खन जैसा नहीं बनता, इतना बेट्स में दिखाई दिया। Wow, look at the view. काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बागबर। तो आप लोग देख सकते हैं आसपास, यहाँ पे थोड़ा एरिया मार्केट एरिया का है, और यहाँ पे शायद जो आपका फेरी सर्विस आसपास यही से स्टार्ट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सबसे पहले बोल लेता हूँ क्या है। ये है आपका पास में ही आपका बागबर आउटपोस्ट। तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ इसका पीछे का मेरा बैकग्राउंड का एरिया, और देख के समझिए कि कंडीशन कैसा है, कितना खूबसूरत है। दूर दूर तक आपको दिखाई भी नहीं देगा शायद, इतना दूर तक नदी है। और मेरा ठीक पीछे आपको दिखेगा बागबर का पहाड़ी, जो कि बरबेड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक इकलौता पहाड़ी है अभी। तो इसमें अभी हम लोग ट्रैकिंग करेंगे। तो फाइनली हम लोगों का ट्रैकिंग स्टार्ट हो गया, थोड़ा लेट हो गया, लेट सही लेकिन शुरू तो किया। बहुत सारे लोग तो आ ही नहीं सकते। घर के थोड़ा बहुत घर है यहाँ पे, उस घर के आंगन से जाना पड़ेगा, मतलब सामने इधर से आप चलें, और ये सर इससे भी जा सकते हैं, लेकिन ये अननोन प्लेस है तो इससे हम लोग करते हैं, चलो मज़ा आएगा। हाँ।
तो अभी हम लोग जानेंगे हमजद भैया से उनका ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस, क्या क्या किया उन्होंने और कैसा चल रहा है उनका प्लान क्या है। ओवर टू यू। सवाल बहुत बड़ा है और मेरे लिए आसान है। ब्लॉगिंग बोलने से ब्लॉगिंग नहीं होता है कि आपने बोल दिया हो गया, इसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। और मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से था, छोटा मोटा एक दो छोटा मोटा फिल्म किया, वहाँ पे मैंने एक्शन करूँगा बोल के वो उस इंडस्ट्री में गए थे। लेकिन अच्छा है, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। लेकिन ब्लॉगिंग का ना, आपका आर्ट अगर ना हो तो ब्लॉगिंग करके आपका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी होगा, ऐसा नहीं होता है भैया। इसमें बहुत मेंटली वो प्रिपेयर होना पड़ता है, उसके साथ इक्विपमेंट्स, और इक्विपमेंट के साथ आपका जो केमिस्ट्री वो बहुत ही डिपेंड करता है। अगर आप नियर बाई ये बागबर में हैं तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करिए। यहाँ पे बहुत लोग चढ़ते ही नहीं, बोलते हैं सुनसान पहाड़ है, वहाँ पे जाके क्या करना है। अरे यहाँ पे कुछ मिलता है, सुकून मिलता है। आप ट्रैक करो, ट्रैक करने के साथ साथ आपका हेल्थ भी तो उसमें शामिल होता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, मेंटली फिजिकली ये सब डिपेंड करता है। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है इस पहाड़ में हम लोग खाली हैं और कोई नहीं है बंदा। तो कितना ये है, मतलब यहाँ पे दो चार पांच जन भी नहीं है, हम लोग तीन ही है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यहीं पे ख़त्म, यहीं पे ख़त्म। जैसा कि भैया ने बोला, हमारे तीनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, जो कि बिल्कुल झूठ है। सामने देखिए शक्तिमान का पिताजी आ रहे हैं, मेजर रंजीत सिंह, काला डूंगरा के पहाड़ी से कपाला तो लेके साथ में। अच्छा कॉमेडी हुआ। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे पहाड़ी का केकड़ा, थोड़ा देखो केकड़ा। खाने में रेट रेट की टेस्ट हो, बीघा के नीचे पैसा की मान लो हटात 50 टका को किसु अमल एक पैकेट केजी, तो इतना 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग खाना चाहे आप लोग बाग भराओ। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का ट्रैकिंग हो गया, लगभग पहुंच ही चुके हैं। आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए बैक साइड में जो हिल टॉप दिख रहा है वही हमारा टॉप पोजीशन है, वहीं तक हमें जाना है। वहाँ पे जाके मैं आपको एक सराउंडिंग दिखाऊंगा, आसपास कैसा दिखता है, तब आपको पता चलेगा व्यू कितना मज़ेदार है। ये साफ साफ आपको सामने दिख रहा होगा, एक तो ये एरिया और सामने वो वाला है आपका टॉप एरिया। तो हम लोग अभी उसी तरफ जा रहे हैं, मेरे ठीक पीछे लोग ब्लॉगिंग करते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा दिशा इधर उधर हो गए हम लोग, देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम लोग भटके हुए नौजवान हैं, घर से निकले हैं, ना किसी का ना पता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वेयर टू गो, हाउ टू गो, नो आइडिया। लोगों का थोड़ा सा गलत है। अच्छा हुआ, अभी हम लोग कैसे क्लियर रोड पे हैं। अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि हमने गलती कर दिया, एक्चुअल टॉप इज दैट वन। कोई नहीं, यहाँ तक आए, यहाँ तक शॉट लेके उधर चलते हैं। तो कुछ लोग यहाँ आते हैं, नीचे से थोड़ा सा एक रॉक में बैठ के चले जाते हैं, बोलते हैं टॉप में चले आए थे, टॉप चल के आए हैं। तो हम लोग यहाँ आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कई सारे टॉप है, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेवल का रॉक है वो है उस तरफ। तो हमने सोचा आने से पहले कि हम लोग सभी टॉप में जाएंगे और सबको दिखाएंगे कि कौन सा एक्चुअल टॉप है।
इसलिए सबसे पहला हमारा टारगेट था टॉप टू, जो कि सेकेंड हाइस्ट में दिख रहा था हाइट के मामले में, तो उसको पहले एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे टॉप वन में, जो कि वो है हमारे ठीक पीछे। तो ये आइडिया है हमारा हमजद भाई का, तो उन्होंने ही बोला कि हम लोग एक एक करके जाते हैं, हम सभी एक्सप्लोर करेंगे। लोग आते हैं एक जगह जाते हैं, हमारे पास टाइम है, हमारे पास एनर्जी है जो कि अभी भी बहुत है, हाँ बरकरार है तो हर जगह जाएंगे। तो अभी है हम लोग टॉप टू के ऊपर, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक आने में हमको 35 मिनट्स लगा और हमने कई सारा ब्रेक लिया, हमें कोई जल्दी नहीं थी, धीरे धीरे आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग में मस्त है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे चारों तरफ दिखता कैसा है, और आप लोग देखिए, ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बारिश के दिन में ये सब जगह फ्लडेड रहता है पानी से, हमेशा फ्लड रहता है। और यहाँ पे लगभग जितना मैं सुना हूँ लोकल लोगों से, 12 किलोमीटर एरिया रिवर बैंक में आ जाता है, जहाँ पे पानी नहीं रहता, सिर्फ सैंडी सैंड रहता है। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन के लिए थ्रू ब्रह्मपुत्र आपका गुवाहाटी से फेरी सर्विस है, नाव लेके लोग आते हैं, फेरी से आते हैं। और आपका इस तरफ जो हम अभी तक नहीं दिखाया, आपको भी दिखाना बाद में चाहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है उस टॉप हिल में जाना, उसके बाद ही उस तरफ का व्यू दिखाना। तो यहाँ से काम करते हैं, डायरेक्टली आपको एक क्विक ड्रोन शॉट दिखा देते हैं, आइए मज़े लेते हैं। तो फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने अभी ऑलरेडी, टाइम है 12:15, अभी जाएंगे हम लोग सीधा टॉप वन में, हमारे हिसाब से जो टॉप वन है। सो आफ्टर ट्रैकिंग फॉर अराउंड 9 मिनट्स फ्रॉम दैट प्लेस, अभी हम लोग पहुँच गए ये वाला टॉप पोजिशन। सो दिस इज़ द टॉप वन, टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ बागबर हिल। वो जो था वो सेकेंड वाला था, आसपास जो है तीसरा चौथा, आपको जो नंबर देना आप दे लो। तो अभी हम लोग आए, लेकिन पेड़ पौधा कमी, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। रुको, व्यू
तो फाइनली हमारा लोकेशन वाइज एंडिंग अभी हो जाता है, तो जाने से पहले सबसे एक बार फिर से बात करेंगे, आके कैसा लगा हमजद्दा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ है, और मुझे ब्लॉग करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, खास करके इस जो हिल है इसके बारे में बताते हुए अच्छा लगा, यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या कर सकते हैं, तो बढ़िया है। हाँ बहुत ही तो फाइनली हम लोगों का ट्रैक अभी ख़त्म हो चुका है, हम लोग नीचे आ रहे हैं और अभी पहुँचे हैं ये गार्डन एरिया जैसा दिखता है, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट एरिया फॉर एनी पिकनिक पार्टीज एंड ऑल, आप लोग आ सकते हैं आराम से बैठ के, कहीं पे भी खा सकते हैं, इतना अच्छा अच्छा हिल एरिया है, वहीं पे बैठ के मज़े ले सकते हैं दोस्तों के साथ, ब्लूटूथ स्पीकर लाइए, गाना सुनिए, खाना खाइए, मज़े कीजिए, हो गया। और वो आपके ऊपर है, आप क्या पीना चाहते हैं, दारू पीजिए या फिर आप वो क्या कहते हैं वो एनर्जी ड्रिंक जो है, व्हाट इज दैट नेम, क्या उसका, रेड बुल, हाँ रेड बुल, और क्या स्टिंग विंग, मॉन्स्टर, आप कुछ भी पी सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ट्रैक करके आपको बुरा नहीं लगा, क्योंकि स्मॉल ट्रैक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता जाने से आपको, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बहुत स्लोली जाओगे तब भी आपको 45 मिनट से कम ही लगेगा, और उसके बाद आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा टॉप में जाना चाहते हो, दो तरफ दो टॉप है, उसके बीच तो आप, हमने बता ही दिया कि एक टॉप से दूसरे टॉप में जाने में हमको 7 मिनट का टाइम लगा दोनों तीनों को, और वो भी हम लोग धीरे धीरे पहुँचे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, बहुत जल्दी गए। और ये सब जगह आके आपको जल्दी जाने से फ़ायदा भी नहीं है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, आपको स्लो ही जाना है, क्योंकि कुछ जगह का मतलब असली टेस्ट मज़े ले लेके जाने में ही होता है, डेस्टिनेशन में नहीं होता, आपका वे में होता है, आप कैसे जाते हो, क्या एंजॉय करते हो ऑन द वे, वही मज़ा है। जाके तो फाइनल पोजीशन में आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो एज ए होल जो जर्नी था तीनों के साथ, जो मतलब तीनों मेरे साथ नहीं, मतलब दोनों के साथ जैसा बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया, बात करके अच्छा लगा, टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठा, एक का तो कोऑर्डिनेशन का पता नहीं, हमेशा ड्रोन के कोऑर्डिनेशन से बाहर चला जाता है उनका मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो ऐसे ही बचपन से आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन है, बात भी नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही है समझ लो। और बाकी अमजद्दा का क्या बोले, हमेशा एनर्जेटिक, तो पहले से मैं जानता हूँ, आज तक उनके साथ कोई ट्रैक नहीं किया, ब्लॉग नहीं किया, कुछ नहीं किया, सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम टुगेदर, उम्मीद करता हूँ कि उनको भी अच्छा लगा होगा। तो अभी जाने के टाइम में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा चीज़ देखेगा तो थोड़ा सा टॉप व्यू लेने का कोशिश करेंगे विद ड्रोन, ऐसे जगह में तो ड्रोन उड़ा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैठ के थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, अभी टाइम है 1:03, तो हमारा टारगेट है हमारा बाइक पोजीशन 1:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाए, उसके बाद धीरे धीरे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम और उसके साथ सनशाइन दोनों चाहिए ताकि हम अच्छा शॉट ले सकें, तो ये हमारा बेसिक टारगेट है, उसके बाद पता नहीं क्या होता है, उम्मीद करता हूँ जो भी होगा आपसे अच्छा ही होगा, और जो भी नेक्स्ट 1 or 2 hour में जो हमें शॉट मिलेगा अच्छा मिलेगा, नहीं मिलने से भी आर सेटिस्फाइड, हमें अच्छा लगा आने के बाद, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, अच्छा ट्रैकिंग हुआ, थोड़ा सा खुद को पुश भी किया, दैट्स ऑल। और ये एंडिंग तो नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा ब्लॉगिंग, और देखते हैं अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर या आवर में क्या होता है, जाने के बाद, जाने के टाइम में हमें क्या मिलता है, उम्मीद करेंगे जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, तब तक के लिए वेट करते रहिए, और ये लीजिए एक बेसिक ड्रोन शॉट आपको दे देते, एंजॉय करते रहिए।